तो आप हेडिंग लगा लीजिए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम खत्म होगा मेंस में तो ज्योमेट्री शुरू करेंगे, तो ट्राइंगल पढ़ेंगे, एक टॉपिक बकाया है। क्वाड्रिलेटरल में जितने भी ट्राइंगल की छोटी छोटी बातों का यूज आएगा वो आप देख लेंगे इधर, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए क्वाड्रिलेटरल। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जा पा रहे और सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मुझे भी अपने भांजे को क्लास दिलानी थी, उसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग कराना था अपनी तरह। तो मैंने देखा कि क्यूमैथ्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चों के लिए ही है, किड्स के लिए ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ्स एक प्रैक्टिस का पार्ट है, मैथ्स के लिए लॉजिकल रीजनिंग चाहिए। तो क्यूमैथ्स क्या करता है, आपके बच्चों में ये एबिलिटी डेवलप करता है। क्यूमैथ्स पे जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सब बहुत ही अच्छे कंपनीज के सीईओ और आईआईटीएंस हैं, सबसे खास बात है। दूसरी बात यह है कि बच्चा 20% लेस टाइम में सारी चीज़ें सीख जाता है। 95% ये बिलीव करते हैं कि जो टू वे कम्युनिकेशन है जो क्यूमैथ्स में मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ पे बच्चा अपने टीचर से बात भी कर पा रहा है, टू वे कम्युनिकेशन है। तो आज ही देखिए qmaths.com को विजिट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अपना फ्री ट्रायल बुक कीजिए और अपने बच्चों को अच्छी मैथ्स सिखाइए, क्योंकि मैथ्स है तो सब कुछ है। और आज की क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल उसके बाद रेक्टेंगल तक कोशिश करेंगे खत्म करें। जैसे मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ कि सवालों की कोई था नहीं है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट अगर आ जाएगा तो अपने आप किसी न किसी सवाल में कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। इस तरीके से दिमाग विकसित हो जाए कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है, तो हर सवाल हो जाएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आता है। हो सकता है कि पेपर के टाइम पे वो रास्ता ना निकले जो आसान है, थोड़ा मुश्किल निकल आए। लेकिन अगर आप सोचिए खुद ही कि पेपर में हम ये सोचने लगे कि सवाल पे बैठ के कि आसान रास्ता क्या होगा, और उस सोचने में ही एक मिनट चली जाए, और हमें पता था कि जो कठिन रास्ता है वो 45 सेकंड में सवाल को कर दे रहा था, तो सोचने में टाइम नहीं खराब करना होता। पेपर में तो जो भी तरीका दिमाग में जिस वक्त आ जाए वही लगाना होता है, वहां हम ये शॉर्टकट ये मेथड नहीं ढूंढ सकते। तो घर पे जब आ जाते हैं शांति से दिमाग से सोचते हैं तभी दिमाग में आते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, रीजन बाउंडेड बाई फोर लाइन्स, कोई भी एरिया जो चार रेखाओं से कवर्ड है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जिसके सभी कोणों का जोड़ कितना होगा, 160। वाह, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल डी बराबर 360, ठीक है। क्या क्या और बातें पता होनी चाहिए कि अगर हम डायगोनल पे परपेंडिकुलर डाल दें और ये डायगोनल हमें दिया हुआ है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया बराबर होगा हाफ एसी, तो कॉमन आ जाएगा, सम ऑफ बोथ परपेंडिकुलर्स, दोनों ट्राइंगल्स का अलग अलग निकाल दिया। अच्छा, अगर हमें कोई ये दे दे, मैंने पहले भी आपको जब ये पढ़ा रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हमें दोनों डायगोनल और उनके बीच का कोण दिया हुआ है, वो कोण कोई सा भी हो सकता है, ये भी, तो उसका एरिया होता है एरिया बराबर हाफ, दोनों डायगोनल D1 D2 डायगोनल हैं, साइन थीटा। आप सोच रहे हो कि ये वाला एंगल होता तो बदल जाएगा, नहीं, 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, ठीक है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो जिसमें डायगोनल 90 पर काटते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है लेकिन डायगोनल 90 पे कट करते हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ D1 D2। तो इन दोनों पे छोटे मोटे सवाल कभी पेपर में पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको जल्दी जल्दी लिखना है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी लिखना है, लिखना नहीं है बल्कि फोटो ले लेनी है मोबाइल से, अगर आप मल्टीमीडिया मोबाइल कैरी कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो बाहर जब आएंगे आप अंदर की तरफ, तो ऑफिस से एक मोबाइल कैरी करना है, जाते वक्त जमा कर देना। सिर्फ फोटो के लिए जैसे एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, कुछ छोटी छोटी सी बातें जो ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी मैं बीच बीच में बता दूंगा। जैसे कि क्या छोटी छोटी बातें हैं जिन लोगों को ट्राइंगल भी जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, तो एक तो इस बात की बहुत जरूरत पड़ेगी कि अगर कोई दो भुजाएं x और y है और उनके बीच का थीटा एंगल है, तो डेल बराबर होगा हाफ xy sin थीटा, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण,
ये आपको आता है एरिया का फॉर्मूला या नहीं आता ट्रायंगल का? बोलो, आता है? अच्छा, किनको आता है यहाँ पे? अच्छा, इनको आता है। और दूसरी बात कि अगर किसी ट्रायंगल में हमने ऐसे ये भुजाएं बना दी, तो जो बेस का अनुपात होगा वही एरिया का अनुपात होगा। इस पे बहुत सारे सवाल आजकल आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। हाइट क्यों सेम है? हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बताया था आपको कि एक पॉइंट से एक भुजा पे केवल एक ही परपेंडिकुलर खींचा जा सकता है। बात की थी नहीं की थी? एक भुजा पर एक ही परपेंडिकुलर खींचा जा सकता है। तो जब हाइट सेम है, ट्रायंगल का एरिया दो बातों पे डिपेंड करता है, बेस और हाइट। हाइट सेम है तो बेस पे डिपेंड करेगा, बेस दो तीन चार में, तो एरिया भी क्या होगा, दो तीन चार में हो जाएगा। तो ये वाला सवाल आपने किया, ये सवाल ये था कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, बीडी डायगोनल है, एरिया ऑफ एओडी दे रखा था कितना, 12, और ये एओबी, एओडी दे रखा था 12, एओबी 15 था, और ये 8। तो ये पूछा था। तो आप खुद मुझे बताइए एक चीज छोटी सी, कि ये 12 और 15 एरिया है, तो इस भुजा का अनुपात भी 12 और 15 होगा, यानी कि 4 और 5 होगा। तो 4 की जगह एरिया 8 है, 5 की जगह 10 होगा, तो इसका एरिया 10 हो जाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऐसे डायगोनल बना हुआ है तो आमने सामने के एरिया का मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा। तो 15 8 120, तो ये 12 था, ये कितना आ जाता, 10। हमने कैसे किया? बात वही है, उसी से ये चीज आएगी कि एरिया का अनुपात। देखो मैं बता देता हूँ, ये तो आपने मुझे लगता है नोट कर लिया होगा ये चीज। जैसे आपने कोई भी क्वाड्रेटल बना लिया, कोई भी क्वाड्रेटल बना लिया, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये ओ है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटल बना लिया। अब आप कह रहे हैं कि इसका एरिया एक्स है, इसका वाई, इसका जेड, इसका डब्लू, ठीक है। मैंने तो दोनों डायगोनल बनाए, अगर मैं दोनों डायगोनल नहीं भी बनाऊंगा तो भी बात चलेगी, एक डायगोनल कंपलसरी है, दोनों जरूरी नहीं है। तो आप बताइए कि इसका अनुपात कितना होगा इसका, तो आप बोलेंगे एक्स अपॉन वाई, और यहां से कितना होगा, डब्ल्यू अपॉन जेड। तो आपने पाया एक्स जेड बराबर कितना आ गया, डब्ल्यू वाई, एक्स जेड डब्ल्यू वाई। लेकिन अगर ये डायगोनल ना भी होता, यानी कि ये डायगोनल ना होके लाइन कुछ ऐसे होती, ये डायगोनल होता और ये लाइन ऐसे होती, और ये एक्स वाई होता और ये डब्ल्यू जेड, तो भी एक्स अपॉन आई बराबर डब्ल्यू अपॉन जेड होता या नहीं होता, बताओ। तो ये सेम सवाल था। तो ऐसा सवाल भी कभी आ सकता है कि क्या होगा। एक डायगोनल होना जरूरी है, वो पैरेललोग्राम में बताऊंगा। सम बराबर जो होता है, आमने सामने के एरिया का सम जो बराबर होता है, मेरी कॉपी नहीं है ना ये, मैं क्या जरूरत है। मनीष कुमार बर्नवाल, आपकी कॉपी है तो ये पीछे क्या कर रही थी? ओहो, कॉपियां बहुत बांट रहे हो हैं। यहाँ पे लोग कई बार कॉपी लेके चले जाते हैं, आते भी नहीं लौट के। मैं पहले बता दूं, भरोसा हो जाए तभी किसी को कॉपी देना, मत लालच में दे दो। अरे वो चीज पैरेललोग्राम में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अगली बात, इस बात पे बार बार सवाल आ रहा है, आगे फिर से आ सकते हैं कि अगर कोई सर्किल किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को छूता है, अगर कोई सर्किल किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को छूता है, तो पहली बात तो ये कि आर बराबर डेल अपॉन एस यहां भी होगा। सबसे पहली बात, ए बी सी डी, हमें लगता है कि ये ट्राइंगल में होता है, ऐसा नहीं है। अगर मुझे इसकी रेडियस दे दे वृत्त की, और इन सारी भुजाओं की लंबाई दे दे, तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ, क्योंकि भुजाओं की लंबाई से सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, और रेडियस से तो एरिया क्या हो जाएगा, डेल बराबर आर इंटू एस।
तो अगर किसी का इन सर्किल बन रहा है, चाहे वो क्वाड्रेटल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो दुनियादारी में कुछ भी हो, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी, सब जगह डेल बराबर क्या होगा, आर इंटू एस होगा। दूसरी बात कि आमने सामने की भुजाओं का जोड़ भी बराबर होगा, बी सी प्लस ए डी। ये चीज मैं पॉलीगन में भी बताऊंगा कि हेक्सागन की सभी भुजाओं को छू रहा है, रेगुलर नहीं है हेक्सागन, तो भी ये वाला रूल आपको याद रखना है। अभी पूछ लेता हूँ सवाल, ये तो अभी आप लिख ही लो, ये लिख लिया आपने, जैसे इस पे कोई भी सवाल आएगा तो कर लेंगे, तो जल्दी से बता देंगे एक सवाल का उत्तर। क्वाड्रेटल एबीसीडी सर्कमस्क्राइब्ड अराउंड ए सर्किल इफ लेंथ ऑफ ए बी बी सी सी डी, दे रखी है। बहुत सही, ठीक है, कितना आ गया आपको पता लग गया कि आमने सामने की भुजाओं का जोड़ बराबर होता है। तो ए बी कितनी है, अब ए बी कितनी है, 7 प्लस ए बी के सामने कौन सी पड़ेगी, सी डी, सी डी कितनी है, 9.2 बराबर बी सी 8.5 प्लस ए डी, तो ए डी कितनी आ गई, 7. अच्छा यही बात अभी तो हमने क्वाड्रेटल में पढ़ी है, यही बात पॉलीगन में हो तब हम कैसे करते हैं, एक सवाल में लिख रहा हूँ, आया हुआ सवाल है, मतलब आया नहीं पेपर में, आ सकता है कभी, कोई नहीं आप मैनेज कर लेना, सी डी ई डी में क्या चक्कर में फंस रहे हो, इतना दिमाग नहीं लगाओ। ठीक है, अगला सवाल पूछूं जरा, ये समझ गए ना कि आमने सामने की भुजाओं का जोड़ बराबर होता है जब कभी। अच्छा क्यों होता है, आपने ध्यान से नहीं देखा, कुछ नहीं है, जैसे टेंजेंट है, जैसे कि ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी, ये सी है तो ये बी सी, ये डी है तो ये बी डी। अब आप ही बताओ ए बी कितनी हो गई, ए प्लस बी, सी डी कितनी हो गई, सी प्लस डी, इधर बी सी कितनी है, बी प्लस सी, और ये ए डी ए प्लस डी। तो आप बताओ इधर भी ए बी सी डी का जोड़ आ रहा है, इधर भी ए बी सी डी का जोड़ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये टेंजेंट से होती है कि जब हम किसी भी सर्किल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं तो वो दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसी बात पे एक सवाल करना है, आगे बढ़े, बहुत सही जा रहे हो, अब आप दिमाग खोल लो, बहुत दिन से आराम कर लिया आपने। जय श्री राम। देखिए ये कह रहा है कि एक वृत्त एक हेक्सागन ए बी सी डी एफ के अंदर है और सभी भुजाएं टेंजेंट है सर्किल पे, यानी कि सभी भुजाओं को छू रहा है, हेक्सागन है, ये नहीं बोला कहीं भी इसने कि वो रेगुलर है, भुजाओं से भी पता चल रहा है क्योंकि ए बी बी सी सी डी डी ई एफ दिया हुआ है। तो 4, 5, 6, 7 और 8 यूनिट है रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट द लेंथ ऑफ ए एफ। बात समझ रहे हैं आप, तो इसको याद कैसे रखेंगे, याद इसको कैसे रखेंगे मैं बताता हूं। जैसे आपने देखा कि अभी क्वाड्रेटल में आपने याद रखा, क्वाड्रेटल में तो आपने आमने सामने की भुजा बोल दी, काम चल गया, इसमें कैसे बोलेंगे आमने सामने का। हाँ तो देखो इसका जोड़ इसके जोड़ के और इसका इसके बराबर था, चार भुजा थी, मैंने दो दो में बांट दिया, तो एक छोड़ के एक अल्टरनेट। तो ऐसे यहां पे भी होगा कि ए बी कौन सी है, 4, फिर एक छोड़ देंगे 6, फिर एक छोड़ दिया 8, तो 3 भुजा इधर आ गई, अब 3 इधर आएंगी बराबर 5, 7 और एक्स, एक्स कितना आ गया 6, ये उत्तर है। एक छोड़ के एक भुजा का जोड़ आपस में बराबर होगा, ऑक्टागन होंगी तो क्या करेंगे, 4, 4 कर लेंगे। ठीक है भाई, तो ये बात याद रहेगी। ये बात याद रहेगी ना कि
एक छोड़ के एक, अब चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर कल को ऑक्टागन पे भी सवाल आ गया, डोकागन पे भी आ गया, तो भी चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। पांच पांच भुजाएं करेंगे, एक छोड़ के एक छोड़ के, कोई एक पूछ लेगा लास्ट में। मिस्टर नवीन आप बताइए, आज तो बाल एकदम सिल्की हो रहे हैं, क्या बात है, महंगा शैम्पू ले लिया? डोंट बाई। आगे बढ़े, समझ गए इतनी सी बात? जिया, ठीक है। अरे टिंकू जिया नाम है पूरा, तो हमने लास्ट वाला बोल दिया। जैसे अभी आप देख रहे थे कि ये एक वृत्त एक चतुर्भुज की सारी भुजाओं को छूता है, इस पे अभी तक सवाल नहीं पूछा है इन्होंने। तो अगर हम इस सर्किल के सेंटर की बात करें कि ये सेंटर ओ है, ए बी सी डी, सेंटर क्या है? ओ, ठीक है। तब आप देखेंगे कि AOB एंगल प्लस COD एंगल का जोड़ 180 अंश होता है, या BOC एंगल प्लस AOD एंगल का जोड़ 180 अंश होता है। आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। यहाँ पे O क्या है तुम बताओ भाई, तुम ऐसे कैसे बैठे बिलाप कर रहे हो, या तुम मोरन करने आए हो, MORN? ऐसे ऐसे क्या हो गया, इतने सेंटी क्यों हो रहे हो? रिप्लाई नहीं आ रहा। साफ बोल रहे, ऐसे लड़के इतने फ्रेंक है, क्लियर बोल देते। बहुत गलत है। ओ यहाँ पे सेंटर है सर्किल का, सेंटर ऑफ सर्किल है। ओ क्या है? सेंटर ऑफ सर्किल है, ना कि इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है डायगोनल का। ओ सेंटर ऑफ सर्किल है, ठीक है। इस पे भी सवाल कभी आया नहीं, लेकिन आएगा तो बहुत सिंपल सा सवाल आएगा। मिटा दें इसको, हाँ भाई ज्यादा फास्ट लग रहा है, लिखने का मौका नहीं मिल रहा। ओहो थोड़ा स्लो कर देते हैं, टेंशन मत लो, ट्रायल है, ट्रायल है। अभी बताओगे आप ना कि स्लो है फास्ट है, मैं थोड़ी पता चलेगा, हम में इतना दिमाग होता फिर क्या ही था। चलो एक सवाल आराम से कर लो, लेकिन कोशिश करो कि जैसे हमने डिजिटल बोर्ड ले लिया और फिर भी आप लिख रहे हो, तो हमारा भी बोर्ड लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, फिर तो हम मुंह से ही बोल देते। हाँ अरे कॉपी में सवाल सॉल्व नहीं करोगे, कह रहे कॉपी लाने का क्या फायदा है, तो ले आओ डिजिटल बोर्ड, ये खरीद लो आईपैड उसके साथ की पेंसिल, इतना ही स्टैंडर्ड है तुम्हारा। तो मोबाइल का टेम्पर टूटने पे तो नींद नहीं आती कि नया लगवाना पड़ेगा। बात डिजिटल कॉपी की कर रहे हैं भाई साहब, एक आती है लेकिन अमेजन की 700 रुपए की, तुरंत मिट जाता है, उसमें स्टोरेज नहीं होती कुछ, और रेडियम पेपर होता है। नहीं रेडियम पेपर नहीं, वो स्लेट टाइप भी आती है वो। नहीं नहीं आजकल दुकानदार भी रखने लगे हैं उसे, जैसे हिसाब जोड़ा तुरंत मिट जाता है, लेकिन वो तो बटन आता है दबाने का, बटन दबाओ फिर मिटता है। आपके पास भी है, ले आना कल से। अब बताओ इतना सरल सा सवाल है, अब मैं इसका चित्र बनाऊं, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो क्यों बनाऊं? एक्चुअली तेज नहीं है, मैं बताऊं ना इनको आदत पड़ गई स्लो की, वही वाली बात है, तो ये तेज की भी बढ़ जाएगी, चार पांच दिन में, चार पांच दिन लगेंगे इसकी भी आदत हो जाएगी। बहुत सही जा रहे हो। चलिए एक सवाल पूछता हूँ खूबसूरत सा, ये नोट कर लीजिए। हाँ ये बता दूं कैसे आया, बंसी भाई जानना जा रहे हैं कि इसका प्रूफ क्या है। बंसी भाई का सिलेक्शन हुआ था 2017 में, पूरी उम्मीद थी, लास्ट में छट गए, रिश्ता भी तय हो गया था, बाद में कैंसिल हो गया। मुझे बंसी जी इस बात का दुख बहुत है, आप ऐसे समझ लीजिए, बता नहीं सकता मैं जो आपके साथ हुआ है। होप फॉर द सेकेंड।
अगर इसको इससे मिला दें तो ये 90 डिग्री बनाएगा टेंजेंट, इसको इससे मिला दें तो 90 डिग्री बनाएगा। ये वाली लाइन कॉमन है और ये टेंजेंट इक्वल होती हैं और ये भी रेडियस बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर आ गई, एक एंगल भी, तो ये ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए ए लिख सकते हैं, इसको इससे मिला दें तो सिमिलरली ये बी बी लिख सकते हैं, सी सी लिख सकते हैं और डी डी लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। अब ये पूरा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा 180। आप ही बताओ कि ए प्लस डी को मिला के क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी, और बी प्लस सी को मिला के एंगल सी ओ डी, तो दोनों का सम कितना आ गया 180 आ गया। चलिए एक सवाल पूछता हूँ, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, मेंस वाले भी थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, अगर थोड़ा स्लो भी चलेंगे तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी डबल पढ़ रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा मैनेज तो करना ही पड़ेगा। आप भी कोई इतने काबिल नहीं है, मैं भी पूछूंगा सवाल तो देखूंगा आप कितने काबिल हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए दोस्त, यहां तक वैसे सारी आसान आसान बातें ही बताई हैं, फिर भी एक चीज कहूंगा कि आप थोड़ा बहुत बेसिक के लिए जरूर चैनल फॉलो करें, आप थोड़ा सा देखें, उससे आपका ही फायदा है, मेरा कुछ नहीं। मैं तो आपको कह दूंगा, आप मुझे कहेंगे नहीं समझ आया, मैं कहूंगा दोबारा पढ़ लो ज्योमेट्री, आपका ही टाइम जाएगा। इससे अच्छा है कि आप 15 मिनट की वीडियो एक क्लास आने से पहले देखा है, पता है आपको कि कल पैरेललोग्राम चलेगा, एक बार पैरेललोग्राम की वीडियो देखा है तो उसके आगे की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आप अपना दिमाग भी लगा पाएंगे। लेकिन आप घर पे बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहते, हमें और लोगों को तो दे ही रहे हैं, उसी में तो बर्बाद है। देखिए सारी चीजें बैलेंस हो तभी अच्छी लगती हैं। ये सवाल देखना, नहीं हो पा रहा, हंड्रेड आपने क्या रट रखा है कि कहीं भी 80 आ गया तो 180 में से घटा दो, 80 होगा, वेरी गुड, 80 आ रहा आपका भी, वेरी गुड। आप दोनों ही पढ़ाई के उस पड़ाव को पार कर चुके हैं जहां पढ़ाई खत्म हो जानी चाहिए। आप दोनों बताओ भाई, 80 कितने, कुछ लोग तो इतने नखड़ों से बताते जैसे इन्हीं का उत्तर सही है बाकी दुनिया गलत है। अयोध्या आप बताइए, आपने तो ठेका लिया हुआ है ना एक भी क्वेश्चन ना बताने का, खुद ही देखिए क्या होगा, एक सवाल थोड़ा बहुत भी घुमा फिरा के आ जाए तो उसमें ही आप खत्म से लगते हैं। इधर महिलाओं में कोई बताएगा तुम बताओ, बरेली, बरेली तो आजकल बहुत फेमस हो रहा है यूट्यूब पे, 80 आ रहा है, कमाल हो गया था, मैं वही कह रहा हूँ। ये कोई भी क्वाड्रेटल है या कुछ स्पेसिफाई कर रखा है, कोई भी है, क्या नाम है इसका बदतमीज का, पी क्यू आर एस, तुम पी क्यू आर एस से क्यों डराते हो मुझे, इंग्लिश में सबसे ज्यादा परेशान यही करते हैं। अच्छा बाहर वाला ही, मैं वही तो पूछ रहा था, देखो ये तक नहीं पता चलता लड़कों को इंग्लिश पढ़ के कि क्या था सच में, ये नहीं पता चला आपको इंग्लिश पढ़ के कि क्वाड्रेटल का नाम क्या होना चाहिए। बच्चों के नाम पहले ही रख लो तुम, अभी इस पे डिस्कशन हो जाएगी क्या रखेंगे क्या नहीं, पढ़ाई की बातें नहीं होंगी। तो एंगल बाई सेक्टर है, इसका एंगल बाई सेक्टर ले लिया हमने, ठीक है भाई, और इसका एंगल बाई सेक्टर ले लेते हैं, कहीं तो मिलेंगे ये,
और इसका एंगल बाई सेक्टर और ये ऐसे बन जाएगा, नहीं कुछ क्वाड्रेटल कैसे भी बना लो एक ही बात है। तो ये क्या बन गया, पी क्यू आर एस, यही होगा। तो बहुत छोटी सी बात आपको बतानी है, ये एंगल अल्फा अल्फा मान लें, अल्फा अल्फा ये बीटा बीटा आर जे गामा गामा ये डेल्टा डेल्टा वगैरह की पूरी नॉलेज है, ठीक है। तो आप ही बताइए ये एंगल कितना होगा, ये 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा 180 में से कट गया, ये वाला कितना होगा 180 माइनस गामा माइनस डेल्टा, यही होगा। तो मैं आपसे इन दोनों का सम पूछना चाह रहा हूँ। पहले तो आप ये बताओ कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 डेल्टा कितना है, 360। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 180 होगा। तो मैं अगर आपसे इन दोनों का सम पूछूं, क्यू पी एस और क्यू आर एस, इन दोनों का सम पूछूं, तो आप बोलोगे 360 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा जो 180 है। तो ये भी कितना आ गया 180। तो आपको इतनी सी बात नहीं पता थी, मैंने तो ये प्रूफ करके बताई है। वैसे आपको पता होनी चाहिए कि जब कभी ऐसे एंगल बाइसेक्टर, एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल में अगर एंगल बाइसेक्टर से कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है तो आमने सामने कोणों का जोड़ 180 होगा होगा। तो पहला वाला कितना दिया है 80, तो ये ओ आर एस कितना होगा 100, ये उत्तर है। कोई 80 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो अब आपको ये बात याद रखनी है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल बाइसेक्टर से अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है तो उसके आमने सामने के कोणों का जोड़ कितना होगा 180 होगा। बस याद रख लेनी है बात, क्या करना है याद रख लेनी है। जी भाई साहब आप बताइए, क्लियर है आप? 100 आ रहा था, हाँ 100 आता ही निकालते तो भी 100 ही आता है, ऐसा कुछ थोड़ी। ये 80 वाले तो तुक्के वाले लोग थे, इन्होंने निकाला थोड़ी, तुक्का लगा रहे थे। तेरा गम अगर न होता उन राम में नमी। आप बताइए भाई साहब आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक क्वाड्रेटल की बातें थी। क्वाड्रेटल में क्या है, हम क्वाड्रेटल में ये सब पढ़ेंगे, रेक्टेंगल स्क्वायर ये सब स्पेसिफिक पढ़ेंगे, जिनमें बहुत बहुत सवाल हैं, बहुत बहुत चीज़ें। तो आप हेडिंग लगा लीजिए आज के लिए रेक्टेंगल। यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई बात ऐसी समझ में नहीं आई है, 9-8 पेज तक तो आप बता दीजिए। एनी बॉडी एल्स? नो, कुछ नहीं पूछना है। कैब वाले भाई साहब आप बताइए, आप तो किसी खिलाड़ी से मुझे शक्ल मिलती है आपकी, हार्दिक पांड्या से, दिनेश कार्तिक से इनकी कहाँ मिलेगी? ऐसे मत मिलाओ, देखो हिसाब से ही मिलाओ। रेक्टेंगल हेडिंग लगा लेने, रेक्टेंगल मतलब आयत, गाना भी इस पे बन चुका है आयत की तरह। तो पहले मैं जल्दी जल्दी इससे जुड़ी हुई सारी बातें लिख देता हूँ, जो आप साथ के साथ ही कॉपी करते रहेंगे। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इसको लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई, ये इसके डायगोनल हैं दोनों, ओ पे काटते हैं। सबसे पहली बात कि सभी कोण ऑल एंगल बराबर 90, या ईच एंगल भी लिख सकते हैं, ईच एंगल बराबर 90, सभी कोण ए बी सी डी, ठीक है। भुजाएं आमने सामने की बराबर होंगी, ए बी बराबर सी डी बराबर एल लंबाई कहते हैं इसको, बी सी बराबर ए डी बराबर बी ब्रेथ कहते हैं इसको, ठीक है। पेरीमीटर ट्वाइस एल प्लस बी होगा, सभी भुजाओं का जोड़ जो बाहरी है, ठीक है। एरिया एल इंटू बी होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई।
डायगोनल बराबर होते हैं ए सी बराबर बी डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल बराबर होते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट डू नॉट कट एट 90, लेकिन 90 पे नहीं काटते। बट बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है कि ओ मिड पॉइंट होगा दोनों का ही, ओ मिड पॉइंट होगा ए बी ए सी का भी एंड बी डी का भी। ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी सब बराबर होते हैं, ठीक है। इसी पेज पे लिखूंगा मिटा करके, जगह कम है, ठीक है, इतना लिख दिया, ये मिटा रहा हूँ भाई। क्लियर है। इसके बाद ओ ए बी का एरिया बराबर ओ बी सी का एरिया बराबर ओ सी डी का एरिया बराबर ओ ए डी का एरिया। देखिए, देखने में लगता है कि दोनों बराबर होंगे या नहीं। देखिए, बराबर क्यों नहीं होंगे, जब ओ मिड पॉइंट है तो ये बेस बराबर है तो एरिया भी बराबर होंगे, भले ही देखने में लगे ना लगे, एरिया बराबर होते हैं चारों के। और क्या होंगे, 1/4 ऑफ ए बी सी डी। डायगोनल दो बराबर क्षेत्रफलों वाले भाग में बांटता है, इसीलिए ए बी सी बराबर ए सी डी बराबर बी सी डी बराबर ए बी डी बराबर हाफ ऑफ ए बी सी डी। क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी सी डी। बाहर सर्किल बन सकता है क्योंकि एक पॉइंट ऐसा विद्यमान है जिसकी चारों वर्टेक्स से दूरी बराबर है, यानी सर्कम सर्किल पॉसिबल है जिसकी रेडियस आर बराबर क्या होगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट इन सर्किल पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा जिसकी चारों भुजाओं से दूरी बराबर हो। है हाफ हाफ, बिल्कुल ये लो, ठीक है, इतनी सी बात लिख दी। पीछे वाला तो मैंने जो भी लिखा मिटा दिया, इतनी भी तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ये कहना कि दिमाग यहाँ रखते ही नहीं है, 50 जगह रखते हैं। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड है, जब तक प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ नहीं होगा तब तक नहीं समझा जा सकती सारी बातें। कितनी बातें तो ऐसी होती हैं, चलते चलते ही बोल देते हैं, आपका ध्यान कहीं और, आप कुछ और सोच रहे हैं। सोचिए, 24 घंटे दिन में 22 घंटे सोचिए, 2 घंटे आते हैं तो कम से कम दिमाग खोल के बैठे। इसीलिए ऐसी जगह पे बुलाते हैं आपको जहाँ मोबाइल भी नहीं काम करता जानबूझ के, नहीं तो बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी यार बच्चे के हाथ में मोबाइल रहता है, तब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बोलो भाई। हाँ अरे नहीं, वो तो स्क्वायर में होगा। अरे रेक्टेंगल चल रहा भैया, आप एक तो पहले कॉलर का बटन खोलो, इससे क्या ना गर्मी थोड़ा हवा पास होने रहनी चाहिए, दिमाग नहीं काम करता, फैशन नहीं करो आप, ठीक है। अभी तो इतने सवाल हो जाएंगे तब क्या ही होगा, अभी इतने कम सवालों में ये हालत है। अच्छा ये बताइए, ये एंगल अगर अल्फा है और ये बीटा है तो लिख लीजिए अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, ये बड़े काम की बात है। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा कौन सा होगा, ये, और ये बीटा होगा। तो जो डायगोनल है वो डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल को समद्विभाजित नहीं करते, समद्विभाजित नहीं करते वर्टेक्स एंगल को। एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, और सही है, दोस्ती हो गई है, चलो बढ़िया है, हमारी क्लास जानी जाती है इस चीज के लिए, दोस्ती के लिए।
आप देखेंगे कोई भी दो बच्चे दो सहेलियां साथ साथ आएंगे, अगले दूसरे दिन आप उन्हें बात करते देखेंगे ऐसे लगेगा कि बरसों से जानती हैं एक दूसरे को, पता नहीं बहन खो गई थी, ऐसे लगता है तुम मेरी दोस्ती के लिए ही बनी हो। 1-1.5 घंटे शांत रह लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बातें नहीं करो, ठीक है? खुरपे आ जाते हैं हाथों में। ABCD, ABCD और ये बिंदु P है। ये P कहीं भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं कि ये P नीचे भी हो सकता है, यहां और बाहर भी जा सकता है। ये वेरिएबल पॉइंट है, विचलित कर रहा है। पी यहाँ पे भी आ सकता है, जैसे इस बार के मेंस में सवाल था कि पी यहाँ पे आ गया था, यहाँ भी आ सकता है, पी कहीं भी आ सकता है। आपको लिखना है PA² + PC² = PB² + PD² पी इज ए पॉइंट एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है पी पॉइंट। हाँ बाहर भी हो जाएगा, क्यों नहीं हो सकता, बाहर भी हो जाएगा। सब रेक्टेंगल में है, भी जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये रेक्टेंगल के अंदर है। रेक्टेंगल चल रहा है तो ये बार बार नहीं बताऊंगा कि रेक्टेंगल के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी क्या मैच आ रहा है उधर? अच्छा ठीक है, मैच तो तुमने हरवाई दिया कल न्यूजीलैंड को भी। आप फैन है इंग्लैंड की? इनको गुलामी पसंद है जी इतने साल, और नहीं तो क्या, हम तो कभी नहीं जाएंगे। इंग्लैंड जीते इतने साल, हमारे देश पर राज किया, और आपके इशारों से पता लग गया मैं। एक बात और लिख लीजिए कि जैसे कहीं भी इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट होगा ABCD, ठीक है? तो कहीं पे भी पॉइंट हो पी, पी कहीं पे भी पॉइंट हो, कहीं पे भी, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, जो APB का एरिया होगा आधा हो जाएगा ABCD का। और कितनी सिंपल सी बात है, आप खुद बताइए कि ये L है और ये B, पूरा एरिया LB होगा और ये हाइट भी B होगी, होगी या नहीं होगी B बताओ, तो फिर इसका एरिया हाफ LB होगा, इसमें कौन सी नई बात है? तो P कहीं भी हो सकता है। तो इस पर एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ, इतना छोटा भी नहीं लेकिन ठीक है। ज्यादा नींद आ रही है क्या? ठीक है, बड़े आगे मिटाते हैं। ये समझ के आपकी आधा क्यों होगा एरिया, आप समझ गए भाई? ये कह रहा है ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है, उसके बाद लिखना है ACEF इज आल्सो ए रेक्टेंगल। आल्सो तो तब आएगा जब पहले किसी के बारे में बता रखा होगा, इंग्लिश ही गलत है। ABCD इज ए रेक्टेंगल और उसके बाद ACEF इज आल्सो ए रेक्टेंगल, तो आपको बताना है ABCD और AEFC का अनुपात क्या होगा, आपको बताना है EB और BF का अनुपात क्या होगा, आपको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF क्या होगा। उसके बाद लिख लीजिए AB = 8 दे रखी है और AC बराबर कुछ नहीं है AD6 है। जल्दी से तीनों चीजों के उत्तर बता दीजिए, कितना आ रहा है? 1:1। देखिए मैं बता देता हूं, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, देखिए आप खुद ही देखेंगे कि आसानी था। आप खुद बताइए कि अभी आपने पढ़ा कि अगर ये AEFC भी एक रेक्टेंगल है और हमने बी कहीं भी पॉइंट लिया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पूरे का एरिया, मैं ये कह रहा हूँ कि ACEF का एरिया अगर 2 है तो आप बोलेंगे कि इस ट्रायंगल का 1 होगा, आधा होगा, अभी पढ़ा था हमने, नहीं पढ़ा। अगर इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा, तो फिर ABCD का भी 2 हो गया, तो अनुपात कितना आ गया? 1:1 है। पहला सवाल हो गया, हो गया था बरेली,
मिस्टर वन से आपसे आ गया था पहले सवाल का उत्तर। इसके बाद ये कह रहा है कि ईबी और बीएफ का अनुपात भी हमें बताना है, इन दोनों का रेशियो हमें बताना है। करा आपने? देखिए मैं बहुत सिंपल है, चित्र में ही सवाल हो जाए तभी मानेंगे कि सिंपल है। देखिए एबी कितना है 8 और ये कितना है। आप मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं, क्योंकि अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा और ये 90 माइनस अल्फा, यानी ये जो दोनों ट्रायंगल हैं एईबी और बीएफसी, यानी कि एईबी और बीएफसी ये दोनों क्या है, सिमिलर है। एईबी और बीएफसी क्या है आपस में, सिमिलर। अगर ये सिमिलर हैं तो इनके एरिया का अनुपात बताओ क्या होगा। मुझे आप कहोगे कि इनके भुजा का स्क्वायर, लेकिन भुजा सेम एंगल वाली होनी चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल में होता है कि सेम एंगल वाली भुजा। तो देखिए 90 के सामने इसमें क्या है 8, इसमें 90 के सामने, तो 8 और 6 का अनुपात कितना हो गया 4 और 3। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 चौक 16 इसका एरिया होगा और इसका 9 होगा। आप सोच रहे होगे कि मैंने डायरेक्ट भुजा क्यों नहीं निकाली। भुजा मैंने इसलिए नहीं निकाली क्योंकि जो मुझसे पूछी है ना ईबी और बीएफ, वो एक में तो 90 माइनस अल्फा के सामने की भुजा है और एक में अल्फा के सामने की भुजा है, तो इसका अनुपात 8 और 6 नहीं हो सकता था क्योंकि सेम एंगल के सामने वाली भुजा नहीं है ना। ये बात पता है कि नहीं? शिट, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हल्की फुल्की सिमिलरिटी कभी नहीं पढ़ी आपने? मैं तो खैर ज्यादा पढ़ाता नहीं हूँ, सिमिलरिटी के अलावा मैं और चीजें पढ़ाता हूँ। तो ये बात पता है कि नहीं? हमने कहा कि जब तक सेम एंगल के, आप ये कह रहे थे मुझे कि आपने इसमें 90 के सामने की भुजा 8 ले ली, उसमें 90 के सामने की 6, तो 8 6 नहीं 4 3 का अनुपात हो गया, तो आप इनका भी 4 3 का बता दो। नहीं बता सकता क्योंकि सेम एंगल के सामने की भुजा नहीं है, एक में अल्फा के सामने की है एक में 90 माइनस अल्फा के सामने की है। मिस्टर पल्सर पता है, तो अब हमने क्या किया, फिर हमने कहा चलो एरिया का अनुपात निकाल देते हैं। तो आपने कहा जी एरिया का अनुपात निकाल दो, अब 16 और 9 होगा क्योंकि एरिया का अनुपात क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का 4 3 का था, एरिया का 16 9 का आ गया। तो अगर कोई मुझसे पूछता कि एईबी और बीएफसी के एरिया का अनुपात बताओ, तो मैं बोल देता 16 9 होगा। आप बताओ इन दोनों ही ट्राइंगल की, मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, हाइट सेम है या नहीं बोलो, ये दोनों की हाइट सेम है, तो फिर एरिया सिर्फ बेस पे डिपेंड कर रहा होगा, यानी बेस का अनुपात कितना होगा 16 और 9। तो यही पूछ रहा था कि ईबी और बीएफ का अनुपात कितना होगा 16 9। ये बात क्लियर है कि नहीं? भागलपुर वाले भाई साहब, दरभंगा वाले भाई साहब, भाई साहब कॉमन ना ले लें दोनों में से, चलेगा ना दरभंगा और भागलपुर, बाद में भाई साहब लगा दिया करेंगे। हाँ एसीबी एंगल निकालना चाह रहे थे। हाँ हाँ फिर इक्वल कर देते ना इन दोनों को। एक्चुअली क्या है कि अनुपात तो आ जाएगा, देखिए जैसे ये 4 3 है तो ये 4 होगा और ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 3 होगा, तो ये 3 और ये 4 तो हो नहीं सकते, इक्वल बनाना पड़ेगा 12 12। तो जब इक्वल बनाएंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, खेल खत्म। बोलो, अब आपको ये पता है कि जो रेक्टेंगल है इन दोनों का आपस में एरिया बराबर है और 8 6 48 है एबीसीडी का, तो एईएफसी का भी 48 होगा, तो ये जो ट्राइंगल है ये कितना होगा एबीसी 24, तो इन दोनों का मिला के कितना होगा, तो ये मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का एरिया मिला के 24 होगा आधा। हमें पूछा किसका, बीसीएफ का, तो मैं बोलूंगा कि जो 24 है ना वो 16 प्लस 9 की वैल्यू है, हमें 9 की निकालनी है, 24 निम्मा 216/25। आगे बढ़े, इजाजत है, यहां तक किसी को देख रहे तो बताओ भाई, आप बताओ कैब वाले भाई साहब, आगे आपको समझ, दोबारा पीछे दोबारा पूछ रहा लड़का, ठीक है दोबारा से बता देते हैं, इसकी फोटो खींच लो अगले पेज पे बता देता हूँ दोबारा से, या इसी को मिटा के आगे खींच लिया, ठीक है। का मतलब होता है, इससे पता लगता है कर्म करते रहो फल कभी मिलेगा, रुको मत, अगर ये दिख रहा है कि फल नहीं मिल रहा तो रुको मत।
वेरी गुड, बहुत अच्छा सीखते हैं आप। आप समझ पाएगा ये लड़का, मुझे लगता है कि पहली वाली बात तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर इसका एरिया एक है, अगर इसका एरिया एक है तो ए ई बी एफ का एरिया भी दो होगा और ए बी सी डी का भी दो होगा और अनुपात आ गया 1:1। ठीक है, खत्म बात। उसके बाद हमने कहा कि ये 8 थी और ये 6, हमने कहा ये एंगल अल्फा है और ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये खाली अल्फा होगा और ये भी 90 माइनस अल्फा। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, क्योंकि इनमें अल्फा 90 माइनस अल्फा 90 सेम है, दोनों सिमिलर हो गए। तो इसमें 90 के सामने की भुजा 8 है, इसमें 90 के सामने की 6, तो इसकी भुजाओं का अनुपात आ गया 4:3 का, 4:3 आ गया, 4:3। ठीक है, अगर ये 4:3 है तो एरिया का होगा 16:9। अगर आपको भुजा से भी करना था तो हम भुजा से भी कर सकते थे। देखिए कैसे, अगर आप कह रहे हैं कि इसकी भुजा 4 और उसकी 3 है, तो इसमें अल्फा के सामने 4 होगी और उसमें अल्फा के सामने 3 होगी, इसमें 90 माइनस अल्फा के सामने 4 होगी और उसमें 3 होगी। अब आप ही मुझे बताओ कि ये 4 और 3 सेम कैसे हो सकते हैं, सेम बनाने पड़ेंगे, अलग अलग नहीं हो सकते। तो इसको हमें गुणा करना पड़ता 3 से और इसको 4 से, तो इसको 3 से करते इसको 4 से, तो भी ये क्या आ जाता, 16:9 का अनुपात आ जाता। मैंने कहा कि इतना कन्फ्यूजन आप नहीं झेल पाएंगे, इसलिए मैंने बोला कि आप एरिया से ही कर लो। एरिया का अनुपात 16:9 का आ गया। इन दोनों ही ट्राइंगल की हाइट सेम है तो फिर बेस पे ही डिपेंड कर रहा होगा एरिया, एरिया 16:9 में, यानी कि बेस भी 16:9 में होगा। अब हमें पता था कि इस पूरे रेक्टेंगल का 8 6 48 है, तो ये पार्ट 24 होगा, ये भी 24 होगा और इन दोनों का मिला के 24 होगा। तो 24 को डिवाइड नहीं कर सकते 16:9 में, कर सकते हैं 24/25 गुणा 9, 216/25 आ गया। अब की बार और आराम से बताऊंगा लेकिन अगला सवाल, लेकिन पहली बार में समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा मुश्किल लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, तैयार है आप, तैयार है भाई साहब? इन क्वाड्रेटल एबीसीई आ गया उत्तर। यार आप तो आज एकदम हाथ खड़े कर दिया आपने तो, आप बताया होगा नहीं, क्यों करना है, प्रयास तो करो, क्या पता वो चीज आपकी किस्मत के लिए बनी हो। 1/6 है, आप क्या मान के चल रहे हैं इसको, 4:3। मैंने लेंथ पूछी है बीजी की, 4:3 मतलब है? अनुपात थोड़ी पूछा मैंने, लंबाई पूछी है। यार आप तो इतने इंटेलिजेंट थे, क्या हुआ आपका, मेंस में कितने बच्चे थे इनकी ज्योमेट्री बिल्कुल ही रद्दी है, यानी बिल्कुल नहीं आती। 1 2 3 4 5 कैसे करें फिर आपके साथ। तो यार आप थोड़ा सा प्री के बैच में भी आओ ना किसी में, जैसे सुबह सुबह वाले बैच में भी ज्योमेट्री चल रही है, आप 1.5 घंटा और निकालो 9:30 बजे, तभी कुछ हो सकता है कुछ तो आओ, क्योंकि 25 सवाल आएंगे ज्योमेट्री से, 25 आप मान लो, ज्यादा क्यों, 20 कर लो यार, ज्यादा नहीं हो गया मतलब, क्या 20 से कम का सवाल ही नहीं उठता, 20 से कम का तो सवाल ही नहीं है, 20 दूनी 40 नंबर गए, और आपको क्या लग रहा है उधर 160 में सारा कर देंगे। 2 आ रहा है, बहुत सही, कैसे कर लेते हैं आप ऐसे 2 वगैरह, किसी किसी का तो 4 से भी बड़ा आ रहा है जबकि पूरी 20 ही 4 है। चले मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है सवाल, उतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ और भी कई सारे तरीके हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से तो आप कर ही सकते थे, लेकिन आपने तो कोई भी तरीका लगाना ठीक नहीं समझा, होता है ऐसा।
मैं अलग से ही बना लेता हूँ चित्र ना, तभी आपको मजा नहीं आएगा, नहीं तो ए बी। कुछ बच्चों से तो इसलिए नहीं हुआ, कह रहे आज तक हमने जितने भी रेक्टेंगल पढ़े वो ए बी सी डी होते थे, ये पहला है कि ए बी सी ई है, इसमें डी मिसिंग है। ए ऊपर है, आपने सोचा जी इस सवाल के बारे में? ओके ये इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है और ये पूछ रहा है बीच, तो आप बताओ अगर इसकी हाइट पता लग जाए, सोचते कैसे हैं, तो इसका बेस निकल आएगा। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को कि अगर इसकी हाइट पता लग जाए तो इसका बेस निकल आएगा? मुश्किल है ही नहीं। अब हाइट कैसे पता लगे ये भी मुद्दा है, इतना आसान तो है नहीं हाइट पता लगना। बोलो जी भाई साहब। तो देखें, मैं ये बोल रहा था कि ये दूरी जो मुझे निकालनी है, मैंने इसको x मान लिया, मान सकता हूँ कि नहीं, कोई बुराई नहीं है, इसको दे ही रखिए चार, और ये कितनी है एक। आप बताइए कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? ये एंगल आपस में बराबर होंगे, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। बोलो हुए कि नहीं बे? अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ये वाले और ये, लिख दूं क्या ये बात बे? बड़ा पंगा है यार, आप थोड़ी मेहनत खुद से नहीं करना चाहते। ए एफ ई, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात ही इनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा, तो इनकी भुजाओं का अनुपात 4x का है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी यही होगा। बोलो ये भी 4x का होगा या नहीं? और पूरी एक है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी ये x और ये 4 अनुपात है, सिर्फ ये रेशियो है भाई। तो अगर मैं इसको एक में बांटूँ, एक की वैल्यू कितनी होगी बताइए, एक कितने की वैल्यू होगी? 4+x के और इंटू एक्स, तो इसकी हाइट मिल जाएगी या नहीं मुझे बताओ? इसकी हाइट आ गई x अपॉन 4+x। अब आपको पता है एरिया होता है हाफ इंटू बेस x इंटू x बटे 4+x बराबर 1/6। देखिए अब इसके बाद तो आदमी उससे भी कर सकता है, क्या बोलते हैं, ऑप्शन से भी जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जाना चाहते तो 3x² - x - 4 = 0। तो इसके फैक्टर कितने होंगे? 12 के फैक्टर, x 4/3 आ जाएगा सिंपल, तो कर ही लेंगे, खैर इसमें क्या ही बताना। आप देख भी सकते हो कि x² कितना, 4/3। थोड़ा मुश्किल था, देखिए क्वाड्रेटिक अगर बन रही है तो सवाल का शॉर्ट तरीका तो कोई नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक से ये बात समझ में आ रही है? किसे ए? एंगल इक्वल कैसे किए? अरे अल्टरनेट एंगल दादा, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, रेक्टेंगल है। अभी मैंने बोला कि मैं रेक्टेंगल पढ़ा रहा है तो सबको रेक्टेंगल समझना, बोला कर नहीं बोला? ये तो हमने पहले ही मेंशन कर दिया था, आते ही एक बार बोल भी दिया था कि आज जितनी भी बातें होंगी रेक्टेंगल की होंगी, तो पूछना नहीं बार बार, रेक्टेंगल है। हाँ एक बार और, भैया की फरमाइश पे प्रस्तुत है इसका एक बार फिर से सोल्यूशन। ये बताइए दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे या नहीं? कैसे? इसका ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, जब ये सिमिलर हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात है इसका 4 इसका x है या नहीं? अगर ये 4 और x है तो ये भी x और 4 होगा, तो ये अनुपात आ गया 4 और x। तो मैंने कहा इसकी हाइट निकाल के बताओ मुझे, तो आपने कहा जी एक को बांट देते हैं 4 और x में, एक वैल्यू हो गई 4+x की, x क्या होगा? x अपॉन 4+x, तो हाइट निकल आई। अब एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया। बोलो सरकार कुछ तो कहो, कहो ना कहो। चले एक अगला बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूं, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। आर यू रेडी गाइज? नॉट रेडी?
अभी और भी तरीके हो सकते हैं सवाल को करने के, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट है कि हमने सिमिलरिटी लगा दी, हमने देखा चार, अगर ये एक्स हमें दिया होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पता है। अगर हमें एक्स दिया होता और हाइट पूछता या इसका एरिया पूछता, सोचो उल्टा सवाल होता, मैं दिखाता हूँ आपको, उल्टा सवाल होता। ये मिटा दें सब, देख लिया आपने, लिख लिया, मान लेते हैं कि उल्टा सवाल होता, बस एरिया पूछा होता और ये 4/3 दे रखी होती, ये कितनी दे रखी होती, 4/3 दे रखी होती, तब मैं कहता कि यार ये 4 है और ये 4/3 है, एरिया पूछा होता इसका मान लेते हैं, तो हम कहते कि इसकी भुजा का अनुपात जो है ना वो कितना है, 1:3 का है, ये 3 गुनी है ना इसकी, तो यानी कि ये 3:1 होगा, ऐसे बोल देता मैं। और फिर कहता कि भाई ये 3 और 1 की वैल्यू 1 है, पूरी 1 दे रखी होती तो 1 की 1/4 बोल देता, बोल देता है ना। फिर कहता भाई इसका एरिया निकालना है तो 1/2 × 4/3 × 1/4 और 1/6 होता, तब भी शायद आप नहीं कर पाते, तब भी आपको तरीका पता होना चाहिए। अब सवाल आसान हो गया, लेकिन आपके लिए भी मुश्किल है, मतलब विद्यार्थी के लिए भी मुश्किल है, वैसे आसान हो गया कि भाई आपके यार कुछ नहीं था, बस ये 4/3 दे दिया और इस ट्राइंगल का एरिया पूछ ले, ऊपर वाले का भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। एक सवाल आपको करना है, कैंसिल पे बटन दबा दिया, इतनी मेहनत से तो सवाल मिला, कितना मुश्किल होता है सब याद रख पाना, कौन सा सवाल कहाँ पड़ा, इतने फोल्डर अस्त व्यस्त हो जाते हैं। आगे आने वाले टाइम में मुझे यही लग रहा है कि जिस हिसाब से इंडियन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे अभी क्या होता है कि कौआ कबूतर इन सब के बच्चे होते हैं, थोड़े दिन बाद बड़े हुए उड़ लेते हैं, किसी कोई मतलब नहीं है, थोड़े दिन बाद पहचानते भी नहीं होंगे एक दूसरे को, चूहिया हो गया, ऐसे हम लोगों में भी होगा, बच्चे अपने 4-5 साल 10 साल बाद निकल गए, अपना कोई मतलब नहीं है उसको, कोई सेंस नहीं, कुछ नहीं, भैया ये हमारे बाप थे ऐसे बोला करें, और नहीं तो छोड़ गया तो क्या होगा फिर बताइए, ये हो जाएगा, मुझे लगता है हमारे आपके टाइम में ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को आजकल बहुत घुटन महसूस होने लगी है माँ बाप के घर में, उनको लगता है बहुत घुटन है, ये सही आदमी नहीं है मेरे लिए। क्या उत्तर आया, नहीं आया, ये सवाल भी नहीं हुआ पीछे, ताकिया जी आप बताएंगे, आता जाता नहीं क्या आपको, कुछ पढ़ाई क्यों नहीं छोड़ देते हैं आप, इतना एटीट्यूड लेके कहाँ जाएंगे, आपसे हो गया भाई साहब, अरे यार एक आध तो सवाल कर लो, तुम इतने पढ़े लिखे बंदे हो, तुम्हारा क्या सीन है भाई, 3/2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, अच्छा है तब बच गए हो अभी, तुम देखते हैं, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी, कहाँ है ये मिड पॉइंट है भाई, एक एक मान ले पूरी 2 हो गई भुजा, बोलो पूरी भुजा कितनी आ गई 2, और क्या दिया हुआ है, डी एम इज परपेंडिकुलर टू द डायगोनल ए सी, ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी और ये भी 90 डिग्री का कोण है ना डी एम, और व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी अपॉन ए डी, यानी सी डी अपॉन, ये भी निकाल देंगे तो बात बन जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप बताइए कि ये एंगल अगर अल्फा मान रहे हैं, ये अल्फा, तो ये भी कौन सा अल्फा हो जाएगा, ये और कौन सा अल्फा हो जाएगा, अब ज्यादा मत अल्फा करिए ठीक है, इतना काफी है, ये 90 माइनस अल्फा, इसको ऐसा करते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसको 2y, अब हमें बताना क्या है,
एक्स अपॉन टू वाई बताना है, चलेगा इतना तो? इतने में कोई बुराई तो नहीं है भैया जी, आप बताओ। ठीक है, तो टेन अल्फा कितना होगा इस ट्रायंगल में बता सकते हैं? एक्स अपॉन टू बाई, हमें और भी तो कुछ निकालना है। गलत बता रहे हैं भाई साहब। अच्छा ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी अल्फा होगा या नहीं? तो बस अब हो गया काम। टेन अल्फा कितना होगा? एक्स अपॉन टू वाई बराबर, इस ट्रायंगल में क्या होगा टेन अल्फा? वाई अपॉन, वाई अपॉन एक्स होगा, बोलो। तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया? दो बटे एक, यही आ गया नहीं आ गया? लेकिन हमें एक्स अपॉन टू वाई निकालना है, तो फोर से गुणा कर दो, ये वन बाई टू आ गया। अंडर रूट लूंगा तो एक्स अपॉन टू वाई कितना आ गया? वन बाई रूट टू। तो हमें यही पूछा था सवाल में कि ए बी और इसका अनुपात है ऑप्शन में डी, ये उत्तर है। आप तीन बटे दो किस एंगल से निकाल रहे थे भाई? है? हाँ ऑप्शन में भी एक में ही लेंथ बड़ी दे रखी है। नहीं तो आपने ये कैसे बता दिया कि बड़ी यही होगी? ऐसा कुछ थोड़ी है। अरे देख के लग रहा है यार, अजीब आदमी आप, देख के लग रहा है इनको। देख के तो आप भी बहुत शरीफ लग रहे हो कि आपको ही पता है। देख के वाली बातों पे भरोसा नहीं करते। वैसे सवाल अच्छा ही है, देखिए कुछ नहीं करा मैं, आपको बता रहा हूँ कि कैसे। अच्छा आपने दो ट्रायंगल सिमिलर किए हैं, कौन कौन से? ये अल्फा, मैं वही कह रहा हूँ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये अल्फा है। तो देखिए सिमिलरिटी बेसिकली क्या है, जैसे कई बार सिमिलरिटी दिमाग में नहीं आती, लेकिन टेन अल्फा साइन अल्फा कॉट अल्फा से वो अनुपात निकाल लेते हैं जो जरूरी होता है। तो करने को कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल भी क्या है, सिमिलर है। ये 90 माइनस अल्फा है, बताओ है या नहीं? अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर होंगे या नहीं? अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात कितना है? एक अनुपात दो का है, एक अनुपात दो का है या नहीं भुजाओं का अनुपात? तो इनकी बाकी भुजाओं का अनुपात भी यही होगा, एक अनुपात दो का होगा या नहीं? तो कौन कौन सी भुजा का एक अनुपात दो का होगा? आप बोलेंगे, रुक जाओ भाई, हिसाब से आप बोलेंगे कि 90 माइनस अल्फा के सामने कितनी है यहाँ? दो। और ये कितना होगा? एक। ये भी दो अनुपात एक होगा, तो इससे क्या फायदा निकल आएगा? तीन तीन नौ में से चार गए, ऐसे कुछ फायदा निकलेगा इससे या नहीं? दो अनुपात एक निकाल दिया हमने। अच्छा तीसरी भी निकाल दें, बहुत सही है यार आप। हाँ ऑल्टीट्यूड का रेशियो भी, नहीं 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 आप ये करोगे, आपने ये भी कर दिया दो और एक, यही आपने भी किया था। अरे नहीं 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 तो वो तो फिर के में आया ना वो अनुपात, आप समझे नहीं, वो थ्री वाई और ये थोड़ी होगा, अनुपात आएगा। वो तो मैंने मान लिया कि आप ये कह रहे हो कि ये दो हो गया और ये एक हो गया, तो आपने एक्स को सीधे तीन कर दिया, ये दो वाई थोड़ी होगा, ये टू के और के होगा। तो एक्स उस केस में आ गया टू के प्लस के बराबर थ्री के आ गया, मान लिया मैंने एक्स थ्री। अब इसको भी फिर के में निकालिए, तो आप ये आप गलत कर दिया दोस्त, जमी नहीं बात। अब आप फिर अगर ऐसे करना चाहते हैं ना तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एरिया का अनुपात एक चार का होगा, वो तो फिर बहुत झमेला सा हो जाएगा। मुझे लगता है ठीक किया हमने, जो किया हमने कुछ ज्यादा टेंशन नहीं पाली, हमने कहा कि ये अल्फा है और टेन अल्फा एक्स अपॉन टू वाई यही हमें निकालना है। ठीक है भाई, हम एक्स अपॉन वाई भी मान सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। हमने कहा ये आधा है, तो हमने ये अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, ये 90 माइनस अल्फा ये भी अल्फा आ गया, तो ये अल्फा हमने 10 वाई अपॉन एक्स कर दिया, बस कुछ नहीं किया। 10 अल्फा दो ट्राइंगल में इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से एक्स अपॉन टू वाई वन बाई रूट टू आ गया, जो कि सही भी है। सोचो तीन अनुपात दो दिया भी है, आपको गलत करने के भी पूरे चांस हैं। चलो एक बहुत आसान सा सवाल करिए, आगे बढ़े, ये समझ गए, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि सिमिलरिटी जितनी कम लगा सकते हैं उतनी कम से कम लगाने की कोशिश किया करिए। सिमिलरिटी जो नतीजा है वो साइन रूल का ही है, साइन अल्फा साइन थीटा ये सब में बहुत फायदा है,
इससे बहुत फायदा मिलेगा, आप देखेंगे बड़े से बड़े सवाल खत्म हो जाएंगे। तो अभी से आदत डालिए, ये आदत जब तक नहीं पड़ेगी तो बार बार आप सिमिलरिटी लगाते रहेंगे। सिमिलरिटी में कन्फ्यूजन बहुत है, ये नहीं पता चलता क्या निकालना है। यार 10 अल्फा में कोई कन्फ्यूजन नहीं था, मुझे पता था मुझे निकालना ही है, तो मेरे पास एक ही मात्र ऑप्शन है 10 अल्फा जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और कुछ मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। कल को अगर मुझसे किसी ने इसका इसका अनुपात पूछा होता तो मैं साइन अल्फा सोचता, इसका इसका पूछा होता तो मैं कॉस अल्फा सोचता। सोचता कि नहीं सोचता बताओ भाई जी, सही है सब? आप मस्त आदमी हैं यार। नहीं, वो सिमिलर अपने आप ही हो जाएंगे जब एंगल बराबर हो गए तो अपने आप। अल्फा मैं तो करूँ किसी दूसरे ट्राइंगल में होता, यहाँ पे होता तो मैं इतनी दूर सिमिलर करने थोड़ी जाता। अगर कोई कहता ये अल्फा है और ये 1/2 है तो मैं डायरेक्ट 10 अल्फा को 1/2 रख देता। ऐसा कुछ नहीं कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होना जरूरी है, जरूरी नहीं है। लेकिन वो तो ये है कि जब 90 डिग्री हो रहा है और एक अल्फा है तो दो एंगल सेम होते ही सिमिलर वो अपने आप हो गए। हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हम सिमिलर करेंगे तो ही ऐसा रख पाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो अपने आप होंगे, होते रहे सिमिलर, फर्क नहीं पड़ता। और कहते ना फर्क नहीं पड़ता होने ना होने से, वही सीन है। आकृति में पी क्यू आर एस एक आयत है और बिंदु टी इज आउटसाइड द रेक्टेंगल सो दैट पी टी क्यू इज एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल विद हाइपोटेनस पी क्यू, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पी क्यू बराबर 4, क्यू आर बराबर 3, पी क्यू बराबर 4, क्यू आर बराबर 3, व्हाट द एरिया ऑफ पी टी आर। कौन सा पूछ रहा है? पी टी आर, हाँ पीछे वाला सवाल, ठीक है रिपीट कर देंगे, और क्या लंबा हो जाएगा वैसे। हो गया क्या आपसे? हो गया है 6, तो गलत है बिल्कुल। आपका कितना आ रहा है? अरे आंसर 7 है। आप क्या रट लेते हैं ऐसे सवाल? आंसर 7 है ये कह रहे, लेकिन आ नहीं रहा मेरा। कितना आप बताओ? 7 कैसे? किस किस को ऐड किया? पी टी क्यू प्लस पी क्यू आर, पी टी क्यू ठीक है, और प्लस पी क्यू आर को ऐड करके अगर हम कौन सा घटा देते हैं, क्यू टी आर हटा देते हैं, तो हमें यही मिल जाएगा। ये भी ठीक है तरीका, पी टी आर का एरिया निकालना है। तो अगर पी टी आर का एरिया निकालना है पी टी आर, तो हमने कहा कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को ऐड कर दें, कौन कौन से? पी टी क्यू, एक तो पी टी क्यू ये वाला हमने ऐड कर दिया और एक ये हमने ऐड कर दिया, और उसके बाद हमने कौन सा घटा दिया? क्यू टी आर घटा दिया। तो बोलो बात बन जाएगी या नहीं? दरभंगा वाले भाई साहब आप बताओ क्या सोच रहे हो? इसी के बारे में सोच रहे? अरे इतना भी मत सोचो यार, और भी बहुत चीज़ें हैं सोचने के लिए। वैसे जैसे मान लेते हैं कि चलिए ये तो अभी हमने ऐसे सोच लिया, ये तो मैं बताऊंगा अभी आपको और भी आसान तरीके बताऊंगा, लेकिन मान लेते हैं कि पहली बार में ऐसा सवाल आया और कुछ दिमाग में ही नहीं आ रही, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा, तो फिर क्या अप्रोच लगाते हैं? हम ये जानते हैं कि भाई कौन कौन सी भुजाएं दे रखी थी इसने हमें, पी क्यू कितना दे रखा था? 4, ये 4 थी और ये क्यू आर थे, तो ये तो पता है कि 5 होगी, ठीक है ये 5 होगी, ये 4 है, अगर ये भी 4 होगी ना, और ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल बोला हुआ है नहीं, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल बोले, तो अगर ये 4 है तो ये 4/√2 यानी कि 2√2 होगी, होगी या नहीं? तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार अगर मुझे इन दोनों के बीच का कोण पता लग जाए तो बात बन जाएगी। बन जाएगी या नहीं बताओ? क्योंकि हमें ये पता लग गया, और ये कोण तो मुझे पता ही है 45 है, बस ये नहीं पता मुझे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता ही नहीं है, अब हमें इतना पता है कि किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण पता हो तो बात बन जाती है। तो फिर हम कैसे करते हैं उस केस में कि भाई 5 1/2 5 2√2 और ब्रैकेट में साइन 45 प्लस अल्फा आता, साइन 45 प्लस अल्फा में आप जानते हैं कि 1/√2 कॉमन आ जाता, अंदर आता साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यही होता। अब साइन अल्फा इस ट्रायंगल में कितना है बताइए? 3/5 और ये 4/5,
यानी ये पूरा कितना हो जाता, 7/5। तो रूट टू से रूट टू कट जाता, 2 से 2 कट जाता, 5 से 5 कितना उत्तर आ जाता, 7। ये एक वो तरीका था जो हर सवाल में लग सकता और कहीं भी, जिसके बारे में आप सोच सकते थे। बात समझ गए, क्लियर है ये बात? दोबारा कैसे करा? मैं ये कह रहा था ना कि मुझे पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू 5 इंटू 2√2 दो भुजाएं और उनके बीच का कोण साइन 45 प्लस अल्फा। अब साइन 45 प्लस अल्फा तो पता है ना, साइन ए, हाँ कॉस भी, तो साइन 45 कॉस 45 मैंने 1/√2 कॉमन ले लिया, कॉमन आ गया तो अंदर आ गया साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इस ट्राइंगल में साइन अल्फा कितना होगा, 3/5 और ये 4/5, तो 7/5 आ गया। जा रहे हो? कोई नहीं, इतना ही पढ़ेंगे बाकी, और इस सवाल को और बाकी कल डिस्कस करेंगे बचा हुआ।